कई लोग आस्तिक है, कई लोग नास्तिक है, अपने अपने हिसाब से सब विचार करते हैं, सोचते हैं, चलते हैं जीवन में। लेकिन एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयल ने बताया कि इट इज एडवांटेजियस टू बिलीव इन गॉड देन नॉट टू बिलीव। प्रोफेशनली भी आप भगवान में मानो, अच्छाइयां बुराइयां के लिए नहीं छोड़ दो, मोक्ष के लिए नहीं हो छोड़ दो, प्रोफेशनल तो हैं आप, वैश्य फेडरेशन तो हो, व्यापारी तो हो, तो व्यापारी के ढंग से भी आप भगवान में मानो तो भी जीवन में बहुत बड़ा लाभ है। Thousands and thousands of papers have been released in national and international seminars where faith in God, meditation, naam smaran, भगवान की मूर्ति के दर्शन, मंदिर जाना, उसके physical, mental और emotional लाभ scientifically prove हुए हैं। कभी ये बात भी एक घंटे तक करेंगे कि जो नौधा भक्ति श्रीमद भागवत में दी गई है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नौ प्रकार की भक्ति, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान को दंडवत प्रणाम करना, इसके फिजिकल मेंटल इमोशनल लाभ कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हड्डियां कमजोर हो जाती है उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जल्दी टूट जाती है। अभी रिसर्च एक महीने पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हुआ कि जो भारतीय शास्त्र में मंदिर में जाने के बाद मंदिर की मूर्ति को जो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, अगर वो साष्टांग दंडवत प्रणाम 11 से 15 अगर रोज करे तो वो व्यक्ति को कभी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में भगवान के नाम स्मरण में कितनी ताकत है फिजिकली प्रैक्टिकली। हाँ, मोक्ष की बात, भगवान के स्वर्ग दर की बात जाने दो अभी तो। प्रोफेसर न्यूबर्ग ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में रिसर्च किया, डिफरेंट एज ग्रुप्स के व्यक्तियों को बिठाया, 20 वीक्स का प्रोग्राम था, हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन में और जो भी भगवान के स्वरूप में वे मानते हो उस स्वरूप का ध्यान करके नाम स्मरण करना। एंड रिजल्ट में MRI टेस्टिंग हुआ, माइंड मैपिंग हुआ, उसमें से प्रैक्टिकल साइंटिफिक रिजल्ट्स ये मिले कि जो छोटे बच्चे थे वो रेगुलर 10 मिनट रोज मेडिटेशन और भगवान का नाम स्मरण करते थे, उनकी मेमोरी पावर 15-25% बढ़ गई। जो किशोर अवस्था में थे, युवा अवस्था में थे, उनकी मेमोरी भी बढ़ गई और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। जो मिडिल एज में थे, 35-40, 45-50 में, उनको जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और जो ओल्ड एज में थे उनको इमोशनल सपोर्ट बढ़ गया, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ गई। ये नाम स्मरण से प्रैक्टिकली एडवांटेज। तो जो जो बातें हमारे शास्त्र में महान ऋषि मुनियों ने लिखी है वो बात सही है, इट इज 100% राइट, एब्सोल्यूटली राइट। तो एटीट्यूड हमारे शास्त्रों, संत और भगवान के प्रति ये आस्तिक भाव का रखना, उसमें कुछ लेना देना तो है नहीं, उसमें कुछ लेना देना तो है नहीं। ये एटीट्यूड रखो कि भगवान है, भगवान ये सर्वे जगत के कर्ता हर्ता है, और जो भी कुछ करते हैं वो हमारे मनुष्य के अच्छे के लिए करते हैं। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड भगवान के बारे में रखो तो बहुत शांति रहेगी, बहुत स्थिरता रहेगी।